छतरपुर कोतवाली पर पथराव, टीआई समेत 3 घायल। छतरपुर में जान बचाकर भागे पुलिसकर्मी, भीड़ को खदेड़ने हवाई की फायरिंग, 30 लोगों को लिया हिरासत में। छतरपुर में एक समुदाय को लेकर किसी शख्स के आपत्तिजनक कमेंट से नाराज लोगों ने बुधवार शाम को सिटी कोतवाली पर पथराव कर दिया। भीड़ ने पहले नारेबाजी की, फिर देखते ही देखते पत्थरबाजी शुरू कर दी। इसमें थाना प्रभारी अरविंद कुजूर, आरक्षक भूपेंद्र कुमार और एडीएम के गनमैन राजन चरार घायल हो गए। टीआई की हालत गंभीर है। सूचना मिलते ही कलेक्टर पार्थ जायसवाल और एसपी अगम जैन अस्पताल पहुंचे। कलेक्टर ने बताया कि पथराव में टीआई और 2 पुलिसकर्मी को चोटें आई हैं, उनका इलाज चल रहा है। अभी मैं एसपी के साथ शहर में सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने निकला हूँ, हालात के अनुसार आगे कार्रवाई की जाएगी। इस मामले में पुलिस ने करीब 30 लोगों को पूछताछ के लिए पकड़ा है, इसमें कुछ महिलाएं भी शामिल हैं। दरअसल पूरा विवाद एक समुदाय को लेकर किसी व्यक्ति की आपत्तिजनक टिप्पणी से शुरू हुआ। इससे नाराज समुदाय के लोगों ने बुधवार शाम करीब 5 बजे थाने में शिकायती आवेदन लेकर पहुंचे थे। धीरे धीरे लोग जमा होते गए, सभी थाने के बाहर खड़े होकर नारेबाजी करने लगे। इस दौरान भीड़ में कुछ लोग पुलिस को हथियार और हाथ में पत्थर लिए नजर आए। पुलिस ने मेन गेट बंद कर दिया। मेन गेट के बंद होते ही भीड़ ने और जोर से नारेबाजी शुरू कर दी। कुछ पुलिसकर्मी उन्हें शांत करवाने बाउंड्री वाल पर चढ़े, वे शांत रहने की बात कहते रहे। टीआई अरविंद कुजूर भी आवेदन लेने थाने के बाहर निकले। वे मेन गेट पर पहुंचे ही थे कि भीड़ में आए लोग विवाद करने लगे, बाहर से पथराव शुरू हो गया। बाउंड्री वाल पर खड़े जवान कूदकर थाने के अंदर भागे।